हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पंक्चुएशन मार्क्स, जिसमें आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ चिन्हों के बारे में बताएंगे हम, जो इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस को बनाते समय उसमें कौन सा चिन्ह किस जगह पर लगाना चाहिए, कौन सा मार्क किस जगह पर लगाना चाहिए और उससे लगाने से उसके अर्थों में क्या परिवर्तन होता है और ना लगाने से सेंटेंस में क्या परिवर्तन होता है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से मार्क्स। सबसे पहला मार्क आता है क्वेश्चन मार्क, जो इस तरह का होता है फ्रेंड्स, और इसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। नंबर दो पर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसे हिंदी में हम कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, और ये इस तरह से बनता है। तीसरा फुल स्टॉप, एक पॉइंट टाइप में जैसे बनाया जाता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम, कॉमा इस तरह से, जिसे हम हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। ध्यान देना, कौ मा नहीं, यानी कि अ नहीं, पूरी तरह से कॉमा, अ की मात्रा, कॉमा अल्प विराम। कोटेशन मार्क्स, कोटेशन मार्क्स हमेशा इस तरह से किसी भी वाक्य के शुरुआत में शुरू होता है और इस तरह से वाक्य के अंत में लगता है। ध्यान रखना इस बात को, अभी आगे हम वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। कोलन, कोलन एक इस तरह का मार्क होता है जिसमें जैसे कि शब्द के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसी भी सेंटेंस के बीच में जैसे कि शब्द के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कोलन का। सेमी कोलन, सेमी कोलन का हिंदी में मतलब होता है अर्धविराम, और ये इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अपोस्ट्रोफी, जिसका अर्थ का की के लिए इस तरह से किया जाता है। अभी आपने पिछली वीडियो में पढ़ा होगा कि अपोस्ट्रोफी का प्रयोग किस तरह से कहां पर किया जाता है, लेकिन फिर भी इस वीडियो लेक्चर में भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल एक एक करके हम आपको सभी चिन्हों के बारे में पढ़ाएंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क के बारे में पढ़ेंगे, फिर आगे की आठ वीडियो में बारी बारी से एक एक कवर करेंगे। ये चूंकि अगर हम एक ही बार में बताएंगे तो हम एक या दो एग्जांपल से अधिक आपको नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम एक एक करके पढ़ा रहे हैं ताकि आपको ठीक से समझ में आ सके। चलिए पहला सेंटेंस देखिए। एक सिंपल सेंटेंस है कि तुम कौन हो, या फिर आप कौन हो, हु आर यू। यहां पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहां पर भी क्वेश्चन मार्क, यानी कि हम पहले चिन्ह के बारे में पढ़ रहे हैं। हु आर यू, तुम कौन हो या आप कौन हो। कोई भी व्यक्ति जब भी आपसे कोई क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है, कोई भी बात पूछता है, तो वो एक प्रश्न बनता है, क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आना आवश्यक है। यदि आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो उस सेंटेंस का कोई मतलब नहीं है, वो गलत माना जाएगा। हु आर यू, तुम कौन हो, या फिर आप कौन हो, और इसके एंड में क्वेश्चन मार्क। What is she eating? वह क्या खा रही है, या फिर वो क्या खा रही है। She का मतलब वह या वो, आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, आप वह भी बोल सकते हैं और वो भी बोल सकते हैं, ये तो अपने बोलने के तरीके पर निर्भर करता है। What is she eating? What is she eating? वह या वो क्या खा रही है। इसमें भी देखिए यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है,
अब यहां पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगा, इन दोनों में देखिए ये WH के सेंटेंसेस, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत यदि WH सेंटेंसेस से हो रही है, WH वर्ड से हो रही है, व्हाट, विच, हु, हाउ, ऐसे किसी भी वर्ड से हो रही है तो उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आना निश्चित है। तुम किस तरह की पुस्तकें पसंद करते हो, यहां पर देखिए इस वाक्य में कौन, इस वाक्य में क्या, इस वाक्य में किस तरह की, ये भी एक WH का सेंटेंस। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, इसमें भी देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहां पर भी क्वेश्चन मार्क है। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक, तुम या आप किस तरह की पुस्तकें पसंद करते हो। किस तरह की शब्द के लिए हमने यहां व्हाट काइंड ऑफ का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए, यह किस किस्म का पौधा है, यहां पर जो किस्म शब्द लिखा गया है ये इसी तरह से बिल्कुल लिखा गया है जैसे आपने यहां पर कहा कि किस तरह के, तो किस तरह की यदि आप कह सकते हैं तो आप यह भी कह सकते हैं कि किस किस्म का, दोनों बातें एक ही है, यानी कि किस प्रकार का। तो यह किस किस्म का पौधा है, यहां पर भी लिखा गया व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इज दिस, यह किस किस्म का, यहां पर भी किस शब्द आया, किस्म का पूछा गया है, मतलब यह किस तरह का पौधा है, तो इसलिए यहां पर भी क्वेश्चन मार्क आया। इसमें देखिए तुम कहां रहते हो या फिर आप कहां रहते हो, इसमें भी किसी से पूछा गया है कि आप कहां रहते हो, तो यह भी एक प्रश्न हुआ, इसलिए तुम कहां रहते हो, वेयर डू यू लिव, यह भी एक क्वेश्चन मार्क का सेंटेंस है। इसे देखिए, वह दिल्ली कब गया, मान लीजिए कोई कहीं पर गया है तो उससे उसके बारे में कोई किसी से पूछता है कि वह वहां कब गया, तो इस तरह से यहां पर जो कब शब्द आ रहा है इसकी वजह से ये सेंटेंस एक WH का सेंटेंस हुआ, तो WH का सेंटेंस हुआ तो जाहिर सी बात है कि उसके एंड में क्वेश्चन मार्क आना तय है। When did he go to Delhi? यहां पर when did he go to Delhi? ये पास्ट का WH सेंटेंस है, इसलिए यहां पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर did लगाया गया और कब के लिए when लगाया गया। Delhi he go to what? या वो Delhi कब गया? When did he go to Delhi? इन दोनों में भी देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें क्या करना चाहिए, ये मोरल्स का एक सेंटेंस है। आप शुड, वुड, कुड, इन सभी के बारे में, कैन, मे, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। What should we do? हमें क्या करना चाहिए। अब हम किसी से यदि पूछते हैं कि मान लीजिए हम अपने मम्मी से पूछते हैं, हम अपने पापा से पूछते हैं, पिताजी से पूछते हैं, तो हम ये पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम ऐसा क्वेश्चन किसी से करते हैं तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क भी तो आएगा। हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू, तो इन दोनों में भी देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहां पर क्या शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रश्न हुआ, इस वजह से ये क्वेश्चन मार्क लगना आवश्यक है। तुम कितने भाई बहन हो या फिर आप कितने भाई बहन हो, ऐसा आप किसी से, आपसे कोई पूछेगा तभी कह सकता है कि आप कितने भाई बहन हो या फिर तुम कितने भाई बहन हो, तो ये भी एक प्रश्न ही हुआ, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा है। हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डू यू हैव, आप कितने भाई बहन हो, ये प्रश्न हुआ, इसलिए यहां पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ। आपका घर यहां से कितनी दूर है, आपसे कोई पूछता है कि आपका घर यहां से कितनी दूर है, तो आप उसे बताएंगे लेकिन
बताएंगे क्यों? क्योंकि उसने आपसे पूछा, तो पूछा तो प्रश्न ही हुआ ना। तो हाउ फार, फार मीन्स दूर, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम हियर, यहां पर भी देखिए ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तुम यहां कब तक रुकोगे? आपसे कोई पूछता है, आप कहीं गए हैं, आपसे कोई पूछता है कि आप यहां पर कितनी देर तक रुकेंगे या कब तक रुकेंगे, तो ये भी एक प्रश्न हुआ क्योंकि इसका उत्तर आपको देना होगा। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें कोई किसी से कोई चीज पूछता है और उसके बाद उसे उत्तर पाने की आशा होती है या उसे उत्तर लेना होता है, तो वो एक प्रश्न होता है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क आना आवश्यक है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर, ये हुआ। मान लीजिए यहां पर हमने देखा व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, ये हुए। अब मान लो कहना हो कि क्या मैं विद्यालय जा सकता हूं? तो यहां पर आप देखिए ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, मतलब ये एक क्वेश्चन सेंटेंस ही हुआ। क्या मैं विद्यालय जा सकता हूं? कैन आई गो टू स्कूल, ऐसे सेंटेंसों में भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। एक और कंडीशन है यहां पर, मान लीजिए सिंपल सेंटेंसों में भी इस तरह से आता है, जब हम इस तरह से भी किसी से पूछेंगे क्या हमें वहां जाना चाहिए, शुड बी गो देयर, तब भी ये क्वेश्चन सेंटेंस हुआ क्योंकि हम किसी से पूछ रहे हैं। दूसरा, यहां पर एक बात और आप ध्यान दीजिए कि कैन क्या हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब है एक जो मोडल्स में है और इसे सबसे पहले लिख दिया गया है। तब भी यदि कोई हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन रहा है, उसमें भी क्वेश्चन मार्क एंड में लग जाता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा आज क्वेश्चन मार्क के बारे में जो हमने बताया है। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो, समझ में ना आया हो कहीं पर, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यदि आपको इससे भी अधिक कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पीडी स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, टेक केयर।